अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिनको आप पर क्रश है, आपकी फिटनेस पे क्रश है, उनमें से मैं भी एक हूँ. लेकिन आप मुझे बताइए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह फिट नहीं हैं, आपकी तरह हैंडसम नहीं हैं, तो उन्हें लोग कैसे पसंद करें? वो उनका रिश्ता कैसे हो, जैसे हमारे गोपाल जी? जी मैं एक बात बोलूं, डोले शोले से बेटर क्या होता है? दो चीज, आपका दिमाग और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर. निखिल भाई, आपकी जो दूसरी फिल्म थी सलामेश, जो स्टार कास्ट थी, उसकी लिस्ट है हमारे पास. ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी बहुत बड़े आदमी की शादी की लिस्ट है. इतने सारे लोग, कितनी वैनिटी वैन अवार्ड सेरेमनी लग रहा है ये कोई जी. तो इतने सारे लोगों के साथ तो भूल नहीं जाती कि अरे कभी किसी को, हम चार लोगों में ही हमारा ऊपर हो जाता है कि मैं परेश जी को गोपाल जी बोल दिया कभी. क्या ऐसा हो जाता है? ऐसा आपके साथ हुआ कभी? पहले दिन हुआ था, फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग. सो सलामेश मेरी सेकंड फिल्म थी, मेरी फर्स्ट फिल्म थी कलोनाओ. कलोनाओ किस पे? पहले मैंने धर्मा प्रोडक्शंस में कुछ कुछ होता है और कभी खुशी गम कभी गम मैं एसोसिएट डायरेक्टर था करण जोहर साहब. और कलोना के बाद करण और मेरा कुछ थोड़ा बहुत आगे मतलब अनबन हुआ. वी फॉट एंड वी सेपरेटेड. ठीक, करेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी टुडे वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम लोग. तो सलमान खान साहब ने मुझे फोन किया. वो सलमान खान इंडस्ट्री का मसाया है, मसीहा है वो. अच्छा, मतलब जैसे मतलब उसने फोन उठाया और बोला कि कम एंड मीट मी. अच्छा, वाह, क्या बात है, वाह. और उसने उसने अपना हाथ मेरे कंधों में डाल दिया. आई एम विद यू. मुझे याद है मैं चाहता था कि मैं सबको दिखाऊं कि मैं मतलब मैं कल होना उससे बेहतर और बड़ा फिल्म बना सकता. तो 500 जूनियर आर्टिस्ट, 200 डांसर, बॉस्को सीजर, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, मुहूर्त शॉट था और सलमान वहाँ पे खड़ा था और मैं मॉनिटर पे ऐसा एंड आई सेड शाहरुख रेडी. किसी ने पेट में मुक्का मारा. और सलमान ने मुझे ऐसे देखा, पूरा क्वाइट हो गया. सो पूरा सेट क्वाइट हो गया. सलमान ने मुझे ऐसे देखा, या करण आई एम रेडी. क्या बढ़िया किस्से यार, क्या क्या सुनने मिलता है, ये शो करने के मजे तो है ना. कितनी कमाल की बात है कि इतनी कमाल की डांसर, सारे स्टेप्स जिनको याद है वो यहाँ पर है. क्या मेरे लिए तो ये डोला रे डोला मोमेंट है भाई, मेरे को भी लग रहा भाई. अब आप आए हो तो आई थिंक ये जुगलबंदी होनी चाहिए. होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए दोस्तों? होनी चाहिए. हमने तो देखो मजाक में बोला था, हमको लगा था ऑकवर्ड कर देंगे तो कुछ तो फनी निकल जाएगा. अच्छा, नाच के पूरी वाइब खराब कर दी. शर्वरी, आपकी बड़ी भाषा पे पकड़ है. हमारी दो तीन बार जब मुलाकात हुई तो कभी इंग्लिश में स्विच कर रही हैं, कभी हिंदी में स्विच कर रही हैं, फिर बता रही हैं कि मैंने एक फिल्म के लिए राजस्थानी सीख ली है, फिर अचानक से कोई इनके जान पहचान के कोई महाराष्ट्र ना जा रहे हैं तो उनके साथ मराठी में भी स्विच कर ले रही हैं. और इतनी खूबसूरत लड़की तो हैं, है ना. तो एक मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ी सी मारवाड़ी बोल के दिखा दीजिए. तो जो कहते ना फला,
कहते ना जबान फलानी ऐसी, बोलने वाला सुंदर होता है, हमारे मुंह से उर्दू भी खराब लगती है हिंदी भी खराब लगती है। चलो एक फिल्म का डायलॉग ही बोल दूंगी जी। मने नहीं चावे कोई रक्षक, गर हो तो कोई ऐसा जो पैर रेतलवा ने लोहे का तवा बना दे। वाह वाह, मैं कह रहा हूँ कि हमारी पैनल की थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए आप जी, मराठी में। मराठी में हाँ, ऋत्विक की तारीफ कर दीजिए उसकी थोड़ी सी मराठी। अच्छा। आए यार जाकिर, I love you. थैंक यू वेरी मच। ये आज ये देखो, एक पालिका बाजार से खुद तो आई है, साथ में एक हीरों की 15 रुपए वाली माला भी पहन लाए। भाई 25 की है। ओह गॉड, माय बैड ब्रो। हे एवढे छान नाचतात, हे एवढे छान नाचतात, मी काय सांगू। ह्यांच्या बिल्डिंग वाले म्हणतात, ह्यांचे बिल्डिंग वाले म्हणतात की हे तर मुलांचे नोरा फतेही आहेत। हाँ क्या बोला, मैं समझ नहीं आया। ऋतिक को सिर्फ नोरा फतेही सुनाई दी। मैंने ये कहा कि आप इतना अच्छा नाचते हैं कि आपके मोहल्ले वाले कहते हैं कि आप लड़कों के नोरा फतेही हो। क्या बात, क्या बात। थैंक यू यार। लेकिन देखो यार, नोरा नोरा की बात हो रही है, नोरा तो बढ़िया डांसर है, लेकिन यार शर्वरी बहुत कमाल की डांसर है। हमने अभी देखा कि नहीं देखा यार, कितनी कमाल की डांसर है। मेरे से गलती हो गई थी साहब। क्या गलती हो गई आपसे? मेरे से गलती हो गई कि पिछले हफ्ते एक फिल्मी पार्टी में मैं गलती से चला गया। हाँ। वहाँ पे शर्वरी भी थी, ठीक है। हाँ। और जो ये पगली खुल के नाची है। और ऐसा कोई गाना नहीं है जिसकी स्टेप अगली को याद करे, मतलब जिसका गाना है वो खुद पूछ रहा है कि ये वाली स्टेप थी ना। अभिषेक, पिछले साल मैं जब KBC पे गया था, अमित जी से मेरी तब मुलाकात हुई, क्योंकि अक्सर आप जिक्र करते हैं उनका और उनकी जो मेहनत है, और वो अभी तक इस उम्र में भी कितनी शिद्दत से अपना काम करते हैं, वो मैंने पहली बार विटनेस किया। और अभी देखिए कि उनका नई सीजन आ रहा है, और अभी भी जब आप उनको TV पे देखें, और आप हमारा शो तो सैटरडे संडे आता है, पूरे हफ्ते उन्हीं का शो आता है, मतलब ऑफकोर्स उनका राज है साहब। अगर आज के दौर में कोई बादशाह होता उस उम्र का, तो शायद ऐसा ही होता है। तो आप कितने इंस्पायर्ड हैं उनसे? मैं यार, मैं तो खैर, मैं क्या, मेरा पूरा खानदान बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। मेरे मामा की शादी रुक गई थी, TV पे अग्निपथ आ रहा था, और उनका वो विजय दीनानाथ चौहान, वो जो पूरा वो डायलॉग था, वो देखने के लिए मेरे मामा और मेरी होने वाली मामी और पूरा जो उनके परिवार और हमारा परिवार, सब लोग टीवी के सामने बैठ खड़े हो गए थे, ताकि वो सीन खत्म हो, उसके बाद शादी होगी। क्या बात है, ये जुनून है। और मैं किरोड़ीमल कॉलेज गया, जो कि उनका कॉलेज था, और उसी थिएटर ग्रुप से निकला जहाँ पे उन्होंने, जिस स्टेज पे उन्होंने कदम रखा था, जहाँ से वो सीखे, वहीं पे मैंने अपनी सीख पूरी की। एंड उसे कहते हैं बॉम्बे शहर है, सपने पूरे होते हैं, और एक्चुअली मेरा सपना पूरा हुआ पिछले साल, जब मैंने उनके साथ पहली बार फिल्म में एक्टिंग की। वाह। और मुझे अभी तक याद है, मेरे मैनेजमेंट का फ़ोन आया था कि एक फिल्म है, बच्चन सर हैं, और रोल, मैंने कहा रोल नहीं सुनना मुझे रोल नहीं सुनना, इवन इफ आई कैन स्टैंड ऑन दिस वेरी सेम सेट वेयर ही इज, बिकॉज जो उनकी रिहर्सल वो जो करते हैं, जो वो रोज, मुझे लगता है कि अपने गले का इतनी अच्छी आवाज़ इतने सालों तक बिना उसको रिहर्स किए नहीं हो सकता है। उनको सिर्फ अपने सेट और वो एक्टिंग की दुनिया से इतनी मोहब्बत है कि आई डोंट थिंक वो किसी और चीज़ के बारे में सोचते भी हैं। जब वो सेट पे आते हैं तो सुपरस्टार या मेगा स्टार अमिताभ बच्चन नहीं होते, वो को एक्टर अमिताभ बच्चन होते हैं। वाह क्या बात है, वाह। अपने से बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सीखते रहना चाहिए, है ना। ये कुछ लोग हैं जो हमसे पहले आया और यहाँ दिया जला के गए, जिसकी वजह से ये उजाला है, ये रोशन है ये जगह। जॉन भाई, हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान के कोनों में जो लोग बहुत अच्छा लिख पढ़ रहे हैं, उनको एक मंच दिया जाए। वेरी गुड। और मेरठ की रहने वाली ये लड़की, जब इसका शेर मैंने सुना तो मेरा जी भर आया। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हिमांशी बाबरा का। मैं कुछ पढ़ती हूँ। जी जी। अपनी हालत का मुझे ध्यान नहीं होता है, अपनी हालत का मुझे ध्यान नहीं होता है, इश्क सच्चा हो तो आसान नहीं होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अपनी हालत का मुझे ध्यान नहीं होता है, इश्क सच्चा हो तो आसान नहीं होता है, पहले से बढ़ के मोहब्बत है मुझे तुझसे अब। आए है। पहले से बढ़ के मोहब्बत है मुझे तुझसे अब,
क्यों यकीन तुझको मेरी जान नहीं होता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल पढ़ी थी। जी जी बिल्कुल। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में। क्या बात है, वाह। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। क्या बात। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। नहीं मेरी वापसी का कोई एतबार कहना, वो करे ना जिंदगी भर मेरा इंतजार कहना। क्या बात। वो मोहब्बतों के मौसम तुझे याद भी है हमदम। वो मोहब्बतों के मौसम तुझे याद भी है हमदम, मेरा एक बार सुनना तेरा बार बार कहना। क्या बात। वाह वाह, कमाल कमाल कमाल, खूबसूरत। ये आपके लिए। जो हंसा है इत्तेफाकन तुम्हें देख के मेरा मन, जो हंसा है इत्तेफाकन तुम्हें देख के मेरा मन, ना इसे सितम समझना ना इसे करार कहना। अरे 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 अरे, क्या बात है, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां हिमांशी के लिए। वाह वाह वाह। जॉन भाई, आपसे एक और सवाल पूछना था कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, स्पेशली एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। नहीं, मैं कोई एनजीओ को रन नहीं करता हूं, लेकिन काफी एनजीओ को सपोर्ट करता हूं मैं। जी। और अफसोस की बात यह है कि जानवरों के लिए कोई लॉ एकदम स्ट्रिंजेंट सा अभी बना नहीं है, जो अफसोस की बात है। तो मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप उनका ख्याल रखें, इनको प्यार दे, अगर उनको आपको इनसे नफरत है तो आप दूर रहे, लेकिन पत्थर ना मारे किसी को। जॉन, मेरी बेटी पलक, अभी वो 22 इयर्स की है, जब से उसको पहला चेक मिला है तब से वो अपने इनकम का 20% वो एनिमल वेलफेयर के लिए देती है। एंड पर्सनल कहानी ये भी, आई वांट टू शेयर दिस विद यू, ना सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन बट आपको फॉलो करते करते मेरी छोटी बहन इतनी इंस्पायर हुई कि उसने लॉकडाउन से ही हमारे घर में हमारी बालकनी में एक शेल्टर बना रखा है, और आप हर महीने दो महीने में आप देखोगे कि ऐसे 2-3 स्ट्रे डॉग्स वो घर पे आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, फिर वो जब ठीक हो रहे हैं तो घर से बाहर जा रहे हैं। तो यू हैव बीन अ वेरी बिग इंस्पिरेशन इन आवर फैमिली। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपकी फिल्म के लिए, बहुत सारी बधाइयाँ हम सब की तरफ से, बहुत अच्छी और बेहतरीन फिल्म आप ऐसे ही बनाते रहें, और हमें उम्मीद है कि सब लोग इस फिल्म को ज़रूर ज़रूर देखने जाएंगे। हमारी महफिल फिर से सजेगी और ये एंटरटेनमेंट की थाली परोसने के लिए मैं आपके परिवार तक, अपने परिवार को लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।